दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और ऐसे में हर घर में सफाई की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में देखा जाए तो हर कोई चाहता है कि दिवाली पर उनके घर लक्ष्मी माँ पधारें और कभी वापस ही ना लौटें। और ऐसे में ऐसे कई उपाय किए जाते हैं जिससे कि लक्ष्मी माँ उनके घर में बनी रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस और अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है और ये दोनों ही दिन धन संबंधी उपाय करने के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं दिवाली पर कुछ ऐसे ही उपाय करने के लिए। जी हाँ, धनतेरस के दिन देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव और दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि धनतेरस और दिवाली के दिन जो भी दान किया जाता है, हवन पूजन और उपाय, उनका फल संपूर्ण जरूर मिलता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार आपको बता दें कि अगर इस दिन कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो कुछ विशेष वस्तुओं को घर में लाया जाए तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाती हैं और उपाय करने वालों को मालामाल भी कर देती हैं। जी हाँ, चलिए बताते हैं आपको, अपार धन की प्राप्ति हर मनुष्य की चाहत होती है और सिर्फ धन चाहना हर किसी की चाहत नहीं होती है, इसके लिए उनको मन में तड़प होना भी जरूरी होती है। जी हाँ, और इसके लिए धन प्राप्ति के लिए शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार का भी बेहद होना जरूरी है। देखा जाए तो गरीबी और दरिद्रता और कर्ज से छुटकारा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। धनवान बनने के लिए हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे खास उपाय जो कि आप आजमा कर धनवान बन सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि धन लाभ चाहने वाले लोगों के लिए कुबेर यंत्र अत्यंत सफलतादायक होता है। धनतेरस या दिवाली के दिन विल्व वृक्ष के नीचे बैठकर इस यंत्र को सामने रखकर कुबेर मंत्र को शुद्धता पूर्वक जाप करने से ये यंत्र सिद्ध हो जाता है। इस यंत्र को सिद्ध करने के पश्चात इसे गले और तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए और इसकी स्थापना के पश्चात दरिद्रता का नाश होकर प्रचुर धन और यश की प्राप्ति होती है। वहीं इसके साथ ही आप एक मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन्य धन्य उपाध्य धन धान्य संप्रदि में देहित दाप्य स्वाहा। इसके अलावा है, धनतेरस या दीपावली की शाम को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें और उसके बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियां भी रख दें। वहीं आधी रात पर इन कौड़ियों को घर के किसी कोने में गाड़ दें और इस प्रयोग से शीघ्र ही आर्थिक उन्नति होने के योग बन जाएंगे। इतना ही नहीं, पुराने चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ कौड़ी रखकर उनका लक्ष्मी पूजन के समय केसर और हल्दी से भी पूजन करें। वहीं पूजा के बाद इन्हें तिजोरी में रख दें और इस उपाय से आपके घर में बरकत बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं एक और उपाय की। ये उपाय है धनतेरस और दीपावली की शाम को करने का। जी हाँ, शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं, बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें और साथ ही दीपक में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। इस उपाय से भी धन का आगमन होने लगता है। वहीं अब बात करते हैं धनतेरस और दिवाली को विधिवत पूजा के बाद चांदी से निर्मित लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को घर के पूजा स्थल पर रखना चाहिए। इसके बाद प्रतिदिन इनकी पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दर्शकों, ये थे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप अपने घर में धन संपत्ति को लेकर आ सकते हैं। वहीं एक और जाते जाते उपाय आपको बता देते हैं, ये मंत्र करके आप अपने घर में लक्ष्मी का प्रवेश कर सकते हैं। धनतेरस या दीपावली पर श्री मंगल यंत्र का पूजन कर स्थापना करें और इस यंत्र के नियमित पूजन से शीघ्र ही सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। मंगल भूमि कारक ग्रह अथवा इस यंत्र को पूजता है और वह अचल संपत्ति का मालिक होता है। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे आप इन उपायों को करके अपने घर में धन लक्ष्मी की बरसात कर सकते हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से प्रांशी की रिपोर्ट।